चलो हर्षल पटेल ने तो मेला लूट लिया और हर कोई तारीफ कर रहा है अदानी, लेकिन ये अभी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए। आपने सही बोला कि इट इज अर्ली, रोहित शर्मा की और विराट कोहली की बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच जीते थे, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आगाज बड़ा अच्छा है, सो लेट्स एंजॉय। बाकी आई एक तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट है, ये मत देखेंगे कौन था कौन नहीं था, बैटिंग ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। एक नंबर टू, ड्रॉप कैचेस, हाँ चौके ये ज्यादा मारता है, छक्के इतने नहीं मार पाता। बाबर आजम अभी 40 छक्के। रोहित शर्मा आज वो कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 4 दफा व्हाइट वॉश किया ओपोनेंट्स को, 4 दफा, 2 दफा कोहली ने, 1 दफा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस शानदार जानदार सुबह में आप सभी का स्वागत है, और इसे शानदार जानदार बनाया है भारतीय टीम ने। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही खास था कल का दिन। पूरी दुनिया से भारतीय टीम वाह वाह बटोर रही है, भारतीय गेंदबाज, भारतीय बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव, हर्षल पटेल, वेंकटेश अय्यर और रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा। 6 साल बाद ये जीत जीता है इंडिया रोहित शर्मा की वजह से। 4 बार वाइट वॉश कर चुके हैं और इस रिकॉर्ड में आगे निकल गए हैं। एमएस धोनी 1, रोहित शर्मा विराट कोहली 2 और रोहित शर्मा 4। शोएब अख्तर ने रिसेंटली कहा था कि जब 2013 में वे इनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा प्लेयर कभी कभी ही पैदा होता है। हालांकि काफ़ी समय बाद शोएब अख्तर को देखा रिसेंटली, परसों ही वे कई दिनों बाद उन्होंने वीडियो बनाया फॉकनर वाले इंसिडेंट पर। और साथ ही बड़ी अचीवमेंट, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम T20 में भी ICC नंबर 1 बन गई है। देखते हैं एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का क्या नज़रिया है। इतनी शानदार अचीवमेंट के बावजूद भी कहाँ कमियाँ हैं, उन्हें सुधारना होगा रोहित शर्मा को, ताकि इस टीम को और आगे लेकर जा सके। बैटिंग की तो बात कर ली पिछली वीडियो में, बॉलिंग में अभी फिर मैं दोबारा चाहूंगा कि थोड़ी सी बात हर्षल पटेल पे करूं। देखिए, ये बहुत ही रेयर स्किल्स हैं जो किसी फास्ट बॉलर्स के पास होते हैं, स्लो डिलीवरीज वाला, और वो भी अपनी मर्जी से पिन पॉइंट जगह पे फेंकने वाला, वेरी रेयर। और वो भी ऊपर से देखिए आप, बात ये है कि ड्यू बॉल, ड्यू काफी थी और गेंद गीला हो रहा था, गीले गेंद के साथ चाहे कोई स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो तो आप सही तरह से ग्रिप नहीं कर पाते और कई दफा आपके हाथ से गेंद फिसल जाती है, कई दफा लो फुल टॉस और कई दफा वेस्ट के ऊपर भी, उससे ऊपर की हाइट पे भी चली जाती है। तो इस तरह की टेस्टिंग कंडीशंस में इतनी कमाल की स्लो डिलीवरीज, और खास तौर पे मैं दोबारा बात करूंगा उसी यॉर्कर की, क्योंकि बहुत ही शानदार था वो, और बार बार रिप्ले में भी वो दिखा रहे थे, बहुत ही तगड़ी वो गेंद उसने फेंकी और शेटर्ड की स्टंप्स जनाब उसने चेज की। पूरन एक ही बंदा ऐसा लगा था कि जो कहीं ना कहीं सीरीज जिताना चाहता है वेस्ट इंडीज को, और उसका नाम पूरन है। 3 मैचेस में उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, लेकिन ऑब्वियसली वैसा साथ नहीं मिला दूसरे खिलाड़ियों से कि जैसा वो चाह रहा था। अगेन क्रेडिट गोज टू द इनएक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये जो इंडिया की बॉलिंग है, इतना ज्यादा इंटरनेशनल का इनका एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। चलो हर्षल पटेल ने तो मेला लूट लिया और हर कोई तारीफ कर रहा है। अवैस खान के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कैसा आपने देखा, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन हिम? देखिए, अगर अभी मैं कहूंगा ना कुछ, 42 रन लोगों को नजर आएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि उसकी बदकिस्मती है कि वो सारे पावर हिटर के हटते चढ़ गया, और ऑब्वियसली जब चढ़ेगा, देखिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, बट इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट में यही फर्क होता है ना भाईजान, ये फर्क है। It's a good learning experience for this young lad, and I will love to see he is not being ignored or sidelined after 1 match. एक और बीच में point add कर लीजिए जी के when we talking about bowling now specifically at this point of time, क्योंकि जाहिर है कि runs रोके हैं, नहीं होने दिया, तो हर्षल पटेल की तो हमने बात की है, you are the guy like who said जब वो under 19 खेल रहा था बिश्नोई World Cup के, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया की टीम में ये नजर आएगा, और फिर हमने IPL में देखा, वहां पे भी शानदार परफॉर्मेंसेस थी, जबकि उसको कुंबले साहब जो कोच थे पंजाब के, वो बाहर बिठाए रखते थे, और जब भी मैच का हम रिव्यू करते थे, मोहसिन भाई को बहुत ही तप चढ़ती थी कि वो क्यों नहीं है प्लेइंग 11 में, ही इज योर मैच विनर, व्हाट द हेल ही इज डूइंग सिटिंग आउटसाइड, उसको अंदर खिलाओ यार उसको। तो अब इस 3 मैचेस में वो खेला है, तो आज बल्कि चाहल भी नहीं था, वो अकेला ही खेला है। हर्षल पटेल की हमने फास्ट बॉलिंग में बात कर रही थी, उसके स्किल्स है, आई वुड लाइक यू टू टॉक समथिंग ऑन बिश्नोई। ये लड़का जो है ना, बहुत जल्द इंडिया खेलता नजर आ रहा है, ही इज फियरलेस, और मैं देखो
कोई हंसे मजाक करे, I damn care about it because I don't need certificates and I had nothing to prove in life. हाँ, अगर किसी में हिम्मत है, आए मेरे सामने बैठे, a student of sports and cricket will show him the mirror. भाईजान, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि इस बच्चे में जो मैंने खास चीज देखे, इतने साल हमने क्रिकेट खेली, देखी, कवर की, स्पोर्ट्स कवर किया, इसकी एक चीज जो इसे अपने इसमें मुनफरिद करती है, अलग करती है, सिंगल आउट करती है, वो है इसका फियरलेसपन। ये किसी भी जगह, मतलब आप इसको पहला ओवर दें, इसको 15वां ओवर दें, इसको 20वां ओवर दें, इसको 18वां ओवर दें, इसको 13वां ओवर दें, he is not going to be bogged down, he is not going to be terrified, he is not going to give respect to the opponent batsman, whomever, AB de Villiers hai, hitman hai, Virat Kohli hai, whatsoever, koi bhi player khel raha hai samne, he is not going ke ji ye dar jayega, ghabra jayega. Aur Umesh Barai, Kiran ji, Mohsin bhai, Rizwan sir, it is early, however, what difference do you find in kaptani? Lekin ye abhi comparison mein nahi jana chahiye, aapne sahi bola ki it is early, Rohit Sharma ki aur Virat Kohli ki. बड़ा अच्छा आगाज हुआ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच जीते थे, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आगाज बड़ा अच्छा है, सो लेट्स एंजॉय. बाकी आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रोहित एज अ कैप्टन, क्योंकि दोनों दिन जो है बेशक के टोटल डिसेंट था, लेकिन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ ड्यू का भी मसला था, और ड्यू में यू नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बॉलर से बॉल ग्रिप नहीं होती, फील्डर से कैच छूट जाते हैं, तो बड़े मसले मसाइल, और जिस तरह के पावर हिटर है वेस्ट इंडीज के, उनको खास तौर पे ये वाला मैच तो ठीक अच्छे जीते, जो पिछला वाला है वो बड़ा लाजवाब जीते, क्योंकि सिर्फ उनकी 2-3 विकेटें थी गिरी थी, और मैच जो वो बचाया था उसका मुझे बहुत, आई रियली एंजॉयड इट, और द वे ही सेड इट, जस्ट गिव मी वन गुड ओवर एंड हम मैच जीतेंगे यहाँ से, जो वो कॉन्फिडेंस था, फिर बॉलर्स ने भी उसी पे पूरा उतरते हुए अच्छी बॉलिंग करवाई, इट्स अर्ली, थोड़ा कंपैरिजन में अभी ना पड़िए, बहुत अच्छी बात है, व्हाइट वॉश हुआ है, इनएक्सपीरियंस लाइन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दो चीजों पे इंडिया को काम करना पड़ेगा. एक तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मत देखें कि कौन था कौन नहीं था, बैटिंग ऑर्डर बड़ा मैटर करता है. एक नंबर टू, ड्रॉप कैचेस, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस साइन, यू कांट विन एवरी मैच इफ, और मदरत के साथ निकोलस पूरन जो है ना, वो स्कोर तो कर रहा है लेकिन फिनिश नहीं कर रहा. अगर आप बाबर आजम के लिए और बाकियों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो माजरत के साथ पूरन भी उसी पे उतर रहा है, पहले तेज खेलता है, फिर बिल्कुल ही बीच में बॉक डाउन हो जाता है, और 128 माजरत के साथ, 128 के साथ आप नहीं जीत सकते, जब आपका रन रेट बढ़ते ही जाए. पिछले मैच क्लासिक एग्जाम्पल था, आज के मैच में देखे पावल जल्दी आउट हुआ है, शेफर्ड वगैरह आए हैं, एक एक दो दो तीन तीन छक्के मारे हैं, फारिग हो गए, तो रिजवान साहब वो पहले ही फारिग हो जाता अगर कैच पकड़े जाते. Anyways, India need to understand if they are wanting to dominate the world cricket in every three formats, then they need to address their gray areas. I wish is Babar also play innings like Sky today. In fact, Babar had hit 4 or 5 sixes in T20s versus South Africa in Centurion last year and scored 100. Mayur Kashyap करना पड़ेगा, अपनी power hitting पे काम करना पड़ेगा. इंटरनेशनल में 130-29 का स्ट्राइक रेट, मतलब बहुत कम भी नहीं है, लेकिन थोड़ा और बढ़ना चाहिए. इफ यू वांट्स टू बी ओपनर के लिए तो यार कम है ना रिजवान, शुरू से आता है. इफ यू वांट टू बी लाइक यू नो इन द कैटेगरी ऑफ सम वेरी वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर्स, तो करना पड़ेगा. बाकी आपने जो बोला कि अब हर बैट्समैन के, अब देखें इसके चौके ये ज्यादा मारता है, छक्के इतने नहीं मार पाता बाबर आजम, अभी 40 छक्के शायद कोई 70 मैचेस हुए, हाँ, लेकिन चौकों की इसकी तादाद काफी, जिन लोगों ने यानी 100-100 मैचेस खेले हुए उनके बराबरी करती है चौकों की तादाद. चौके ज्यादा फ्लुएंट मारता है, लेकिन थोड़ा मसल शसल डेवलप करे, कुछ पावर हिटिंग पे काम करे. रोहित शर्मा आज वो कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 4 दफा व्हाइट वॉश किया ओपोनेंट्स को, 4 दफा, 2 दफा कोहली ने, 1 दफा महेंद्र सिंह धोनी साहब. विराट कोहली अच्छा, सॉरी ये रोहित शर्मा लाइक ही इज गुड, आई लाइक हिज यू नो नेचर, ही इज काम एट टाइम्स, लाइक ही इट्स नेचुरल, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा, कूल एंड काम, और अपने जो ऑप्शंस होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह यूज. बिल्कुल सही है दोस्तों, नेचर कमाल है इस बंदे का, कूल, काम, बैटिंग में भी इनके एक स्टाइल है और व्यक्तित्व में भी.
विराट कोहली का अलग स्टाइल, इनका अलग स्टाइल। रिसेंटली रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बैक किया है, माना है कि वे एक ग्रेट प्लेयर हैं। तो जैसा हम लोग, हम फैंस समझते हैं, वैसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं है। हमें इस तरह की बातों से बचकर ही रहना होगा ताकि हम इस तरह की जीतें देखते चले जाएं। ये टीम गेम है, ये एक जेंटलमैन गेम है। पूरी टीम में एक अगर कमजोर कड़ी है तो वह कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। एनीवे, मिलते हैं बड़ी जल्दी ही शाम को यहाँ हुई बातचीत पर। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद।